हेलो एवरी वन हाउ आर यू आई होप दैट यू विल बी ग्रेट एंड फाइन आज की हमारी मॉरल स्टोरी का नाम है द गोल्डन बर्ड आई होप दैट यू विल अल्सो लाइक दिस मॉरल स्टोरी मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ओके तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो There lived a the king. He had a large, beautiful pond in his palace. एक बार की बात है एक राजा अपने राज्य में राज करता था उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था पौडयानी तालाब देयर मैनी ब्यूटिफुल गोल्डन swans had made देयर होम वहाँ बहुत सारी गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्वान्स ने अपना घर बना लिया था गोल्डन फैदर फॉर द किंग महीने में एक बार यह स्वांस अपने राजा के लिए एक सुनहरा किंग स्टे इन द पॉन्ट सर्वेंट्स यूज टू फीड द स्वांस एवरी डे उसके कुछ जो सर्वेंट्स थे वो उन स्वांस को हर दिन खाना पानी दिया दिया करते थे वन डे अ गोल्डन वाटर बर्ड फ्लू टू द पॉन्ड एक दिन एक बहुत ही सुंदर सुनहरे पक्षी इस पॉन्ड में आए ही मेड द पॉन्ड हिज होम उसने उस पॉन्ड को अपना घर बना लिया ही हैड फैदर्स ऑफ प्योर गोल्ड ऑल ओवर हिज बॉडी उसके जो पंख थे वो पूरी तरह गोल्ड के थे पूरे शरीर पे उसके पंख थे ये देख रहे हैं ना आप पिक्चर में कितनी सुंदर बर्ड है ये when the other swans saw this they felt very jealous जब दूसरी स्वान्स ने देखा तो उन्हें उससे बहुत ईर्ष्या हुई they felt threatened by the arrival of the new uninvited guest to the pond उनको ईर्ष्या हुई कि बिन बुलाए मेहमान ने अपना घर हमसे पूछे बिना यहाँ कैसे बना लिया दे कॉल द मीटिंग उन्होंने एक मीटिंग रखी वन द डिस्कशन वन ऑफ द स्वान सेड जब डिस्कशन विज्ञान यानी शुरू हुआ तो एक स्वान ने कहा फ्रेंड्स वी वन गोल्ड फैदर टू द किंग वंस अ मंथ बट दिस गोल्डन बर्ड हैज़ सो मैनी डैट श्योरली दट किंग विल स्टार्ट प्रिफरिंग हेम टूअर्स दोस्तों हम सब सिर्फ एक बार राजा को एक महीने में एक सुनहरा पंख देते हैं पर यह जो नई गोल्डन बर्ड आई है उसके पास सारे सुनहरे पंख हैं तो ज़रूर ही किंग उसको हमसे प्रिफर करने लगेगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा हमसे ंगर इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल फॉर द किंग फिर हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी किंग के सामने इफ यू वॉन्ट टू कीप अवर इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू इज यूजल वी मस्ट सीज दिस बोर्ड अवे अगर हम राजा की आंखों में अपनी इम्पोर्टेंट ना चाहते हैं तो हमें इस बोर्ड को भगा देना चाहिए द अदर स्वान्स एग्री टू हिम एंड यूनिसन सो वन ऑफ वेंट टू द गोल्डन बर्ड एंड सेट तो उनमें से एक स्वान गई और गोल्डन बर्ड से कहा प्लीज़ यू गो फ्रॉम दिस पॉन्ड एंड मेक योर होम एंड सम अदर पॉन्ड जाओ यहाँ से और अपना घर किसी दूसरे तालाब में बना लो हमें यहाँ रहने दो हमें डर है कि तुम्हारी ये प्रेजेंस यहाँ होना यहाँ उपस्थिति राजा की आंखों में हमारी वैल्यू कम कर देगी ही विल केयर ऑनली फॉर यू एंड वी विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड वो सिर्फ तुम्हारी केयर करेगा और हम अनसुना कर देगा बट द गोल्डन बर्ड वस्ट दन वन पर जो गोल्डन बर्ड थी वह बहुत जिद्दी थी ही इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग इन दौट ऑनली वो डटी रहेगी वो इसी पॉन्ड में ही रहेगी वो दूसरे पॉन्ड में नहीं जाएगी

वो गोल्डन बोर्ड से लड़ रही हैं तो उसने राजा को सारी बात बताई पूरा मामला बताया द किंग ऑर्डर किया गो एंड कीज स्वान जाओ और उन को अभी के अभी कीज में रख के आओ यानी पिंजरे में रख दो दे आर बींग टू फाइट विद अ गेस्ट लाइक दिस वो जरूर ही बुद्धू होंगी जो अपने नए मेहमान से लड़ाई कर रही हैं दे मस्ट बी टॉट लेसन उनको सबक सिखाना चाहिए वेन द सर्वेंट्स अप्रोच विद केजेस जब सर्वेंट केजेस यानी पिंजरे लाए एन ओल्ड स्वान सॉ दम तो उन सर्वेंट्स को एक बूढ़ी स्वान ने देख लिया ही वॉन्ट द अदर्स उन्होंने सभी को वार्निंग दी क्विकेडी टू फ्लाई हफ जल्दी उड़ने के लिए तैयार हो जाओ द किंग्स मैन आर हेयर टू कैच जो राजा के सिपाही हैं वो हमें पकड़ने के लिए आए हैं ही मस्ट हैव हेयर ऑफ आवर फाइट्स उन्होंने ज़रूर हमारी लड़ाई सुन ली होगी सो ऑल द स्वान्स टू फ्लाइट एंड फ्लू अवे फ्रॉम द पॉन इसलिए सभी स्वान्स को वहाँ से उड़ना पड़ा सो बाय नॉट एक्सेप्टिंग गेस्ट दे हेड लॉस देयर होम एंड कम्फर्ट्स प्रोवाइडेड इन द्ली पैलेस पॉट अपने नए मेहमान को अक्सेप्ट ना करने से उन्हें अपना इतना अच्छा घर खोना पड़ा जो कि उस राज्य के पॉन्ड में था कितना अच्छा घर था वो और उन्हें वो खोना पड़ा और सभी बोट्स फिर लड़ाई करके उड़ गई इट इज नॉट गुड टू फाइट विद आवर गेस्ट एंड वी शूड नॉट कीप द फीलिंग ऑफ जेलसी विद आवर फ्रेंड्स हमें अपने गेस्ट यानी मेहमानों से लड़ना नहीं चाहिए और ना ही उनके प्रति जेलसी यानी कि ईर्ष्या का भाव लाना चाहिए तो आपने देखा कि जब स्वान्स अगर है ना गोल्डन बर्ड से जेलस नहीं होती जेलस फील नहीं करती तो उन्हें अभी अपना इतना अच्छा घर नहीं छोड़ना पड़ता पर उन्होंने क्या किया उन्होंने गोल्डन बर्ड से जलसी फील करी और वो उनको घर छोड़ना पड़ा थैंक यू आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आई होप दैट यू विल ऑल्सो लाइक द स्टोरी मुझे आशा है कि आपको भी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नए YouTube वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा